माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आज दिखा सुबह सुबह, तो सोचा कि आप लोगों से शेयर कर लूं। और पहले एक क्वेश्चन बता देता हूं। देखो, ये दो सर्कल हैं और ये एंगल दिया हुआ है 110 डिग्री, और आपको ये एंगल निकालना है। मतलब ए ओ डी दिया हुआ है और सी ओ डैश डी आपको निकालना है। तो अगर ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं खुद से सॉल्व, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि वीडियो को पॉज करके ज़रूर आप सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इसका आंसर मेरे बिना बताए कर लें। और अगर आप देखना चाहते तो मैं आपको पूरा वीडियो बताने वाला हूँ कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और सबसे अच्छी बात, जो ब्यूटी इस क्वेश्चन की, मुझे जो अच्छा लगा ना, इस क्वेश्चन में दो तीन कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसे क्वेश्चन को दिन में एक क्वेश्चन सॉल्व ज़रूर करना चाहिए, जिससे हमारे दो तीन कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी एक ही बार में हो जाए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया, बेसिकली दो सर्कल हैं, बी और डी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब ए ओ डी, इसका सेंटर ओ है, इसका सेंटर ओ डैश है। यहाँ पर एंगल दिया हुआ है 110 डिग्री, आपको निकालना है ये वाला एंगल। ठीक है, डायग्राम क्लियर हो गया सबको? तो अब इसका सॉल्यूशन क्या हम वो देखते हैं। देखो फ्रेंड, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब भी कोई सर्कल में, मान लीजिए कोई कॉर्ड है ए बी, ये कॉर्ड ए बी जो है, ये इसके किसी भी, इस सर्कमफेरेंस के इस पोर्शन में किसी भी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे ये एंगल बनाती है थीटा, तो यही कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो उसका डबल हो जाता है हमेशा, वो होगा 2 थीटा। ठीक है, मान लीजिए ये जो एंगल है, ये जो कॉर्ड है ए बी, ये ए बी कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो बना रही है 60 डिग्री, तो ये पूरे सर्कमफेरेंस में किसी पॉइंट पे जो एंगल बनाएगी वो होगा 30 डिग्री, किसी भी पॉइंट पे। केवल इस पॉइंट की बात नहीं कर रहा, मान लो ये पॉइंट यहाँ होता तो ये जो एंगल होगा ये भी 30 डिग्री होगा हमेशा। तो सेंटर में जो एंगल होगा उसका आधा एंगल सर्कमफेरेंस से बनता है। तो अब इस चीज़ को यहाँ देखते हैं। देखिए, इसको मैं इसे ज्वाइन कर सकता हूँ, बी डी को ज्वाइन कर लिया। अब देखो, ये कॉर्ड है ए डी, दिख रहा है, ये कॉर्ड ए डी सेंटर पे क्या एंगल बना रही है, 110 डिग्री। यही कॉर्ड सर्कमफेरेंस पे क्या बना रही है, इसका हाफ, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल कितना हुआ, 55 डिग्री, 55 डिग्री हो गया। अब 55 डिग्री ये हुआ, ए सी एक स्ट्रेट लाइन है और ये 55 डिग्री है, तो ये कितना हुआ, ये वाला एंगल 180 माइनस 55, कितना एंगल हुआ ये वाला, 125 डिग्री। ठीक है, 125 डिग्री हो गया। अब देखो, एक और चीज़, एक और प्रॉपर्टी आएगी यहाँ पे, एक होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कोई भी फिगर जिसकी चार साइड्स होती हैं, चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जो एक तरह से सर्कल के अंदर होता है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, इन दोनों एंगल्स का सम जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री हुआ, इनका भी 180 डिग्री होगा। हमें यहाँ पर क्या करना है, यही काम करना है, हमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। देखो, मैं अगर किसी भी पॉइंट को यहाँ पे इमेजिन कर लेता हूँ, कोई भी पॉइंट ऐसा, तो और मान लीजिए पॉइंट है पी। अब मुझे बताओ, ये एंगल और ये एंगल, ये जो बी सी पी डी क्या है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एंगल बी और एंगल पी का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। हमें एंगल बी पता है कितना है, 125 डिग्री है, तो ये कितना हो गया, 180 माइनस 125, तो ये कितना हुआ, 55 डिग्री। 55 डिग्री ये आया। अब फिर से ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे अपन। अब देखो, सी डी को देखो, सी डी क्या है, एक कॉर्ड है जो सर्कमफेरेंस पे एंगल क्या बना रही है, 55, तो ये सेंटर पे कितना हो जाएगा, इसका डबल, मतलब कि 110 डिग्री। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मतलब इसमें बेसिकली एक ये कॉन्सेप्ट छुपा था, एक ये कॉन्सेप्ट छुपा था। नॉर्मली कोर्स में इतना हाई लेवल का क्वेश्चन आता नहीं, आएगा तो एक आध आएगा पूरे पेपर में, टीयर वन में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। बट मेरी कोशिश ये थी कि आपको ये बताऊं कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना कितना बेनिफिशियल होता है, कि आपकी काफ़ी मेंटल एक्सरसाइज हो जाती है, आपको बहुत सोचना पड़ता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये तो 16 के टीयर 2 में आया था, क्योंकि तो मैंने वो दिया था तो मुझे याद है।
इसमें आया था, ऐसा क्वेश्चन आया था कि जो कॉर्ड ए बी है वो उसकी रेडियस के बराबर है सर्कल की, तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ यहाँ एंगल बन रहा है 60 डिग्री, तो सर्कमफेरेंस का एंगल पूछा था जो कि 30 डिग्री आएगा। ओके, तो क्वेश्चंस तो डायरेक्ट ऐसे ही आएंगे, इतना टफ क्वेश्चन आता नहीं है, बट हमें कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर 3-4 मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, तो काफ़ी बेनिफिशियल होता है हमारे लिए और हमारी लर्निंग ज़्यादा हो जाती है। और देखिए अल्टीमेटली फ्रेंड्स, होना भी यही चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है कम समय में, तो उसके लिए ऐसे पीक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है कभी कभी। बस अभी फिलहाल प्रायोरिटी अगर आप ये है कि आपका बेसिक क्लियर नहीं है, तो पहले बेसिक क्लियर करो, उसके बाद ही आगे बढ़ो। और दूसरी बात, जैसा मैंने बताया था कि 4th ऑफ मार्च से बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, मैथ्स पढ़ाने की, एडवांस मैथ्स हम स्टार्ट करेंगे और पूरा जो कोर्स होगा वो हम कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपके एग्ज़ाम के 10 से 12 दिन पहले पूरा पूरा ख़त्म हो जाए, और इस दौरान हम सब कुछ पढ़ेंगे, मतलब बेसिक से स्टार्ट करके जितना लेवल ऊपर जा सकता है, जितना कि आप कहेंगे जहाँ तक ले जाना वहाँ तक हम उसको ले जाएंगे। और ये क्लासेस यूट्यूब पे ही होगी, हमारे चैनल पे, और ये पूरी तरह से फ्री कोर्स होगा, कहीं भी पेड कोर्स नहीं है, ठीक है? सो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकॉन क्लिक कर देना, ताकि अब जैसे ही कोर्सेस आना शुरू होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। और ट्राई करूँगा कि लाइव आ जाऊँ, लाइव आऊँ तो आपसे इंटरेक्ट भी कर पाऊँगा, तो कोशिश यही रहेगी कि दोनों तरीके से हम कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और एक अच्छी तैयारी आपको आपकी हो जाए एटलीस्ट। और मेरा प्रयास फ्रेंड्स यही होगा कि मेरे माध्यम से आप सिलेक्ट हो जाएं, आपका सिलेक्शन हो जाए और जो पोस्ट आप चाहते हैं एसएससी सीजीएल में वो आपको मिल जाए, तो यही सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे लिए होगा। ये इससे बड़ी खुशी की बात किसी भी टीचर के लिए हो नहीं सकती है। सो 4th ऑफ मार्च थोड़ा सा मतलब तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है, इसलिए 4th ऑफ मार्च मैंने डिसाइड किया है। तो इस वीडियो में इतना ही है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।